वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। अभी हम हैं अनहोल में, महासू महाराज के दरबार में। ये मंदिर जो है उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड देहरादून में है। ये देखें, ये बिल्कुल महासू महाराज का मंदिर है, जहाँ से जहाँ के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे हिमाचल उत्तराखंड से आते हैं। और ये जो है दो पत्थर है, ये देखने के लिए छोटे छोटे हैं लेकिन उठाने के लिए बहुत भारी है, भारी मतलब शक्तिशाली है। इन पत्थरों में वो शक्ति है जो महासू महाराज के मंदिर में है। ये देखें, छोटा सा पत्थर है लेकिन बहुत मुश्किल से उठाया जाता है, कईयों से तो उठाया भी नहीं जाता है, बहुत कम लोगों से उठाया जाता है। और बहुत ही भारी है, मेरे से तो उठाया ही नहीं गया, थोड़ा सा उठ गया था ये छोटे वाला, और बड़े वाला तो बिल्कुल भी हिलाया नहीं गया और इनसे भी नहीं उठेगा। देखना आप अभी वीडियो में देखते रहें, ये देखें लगे उठाने, नहीं उठाया जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि ज़मीन खींच रही है नीचे की ओर और आदमी खींचता है अपनी ओर, लेकिन ये उठता नहीं है। देखो, देखने के लिए कितना सा पत्थर है लेकिन नहीं उठाया जाता है। ये देखें, इनसे भी नहीं उठाया गया और छोटा पत्थर जो है ये फिर से उठ जाएगा, ये वाला नहीं उठा सकते हैं। बहुत कम लोग जो सच्चे दिल से और सच्ची भक्ति, बहुत ज़्यादा भक्ति की हो, वो ही इसको उठा सकते हैं, वैसे नहीं उठता है ये। और मैं भी ट्राई करूँगी यहाँ पर, तो आप देखें मेरे से उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा। ये देखें, मैंने भी ट्राई किया लेकिन बहुत भारी है, हिलाए भी नहीं जाते हैं। जब खींचने की कोशिश करते हैं तो ज़मीन अपनी तरफ खींचती है इन पत्थरों को। ये देखो, इतना ही उठेगा, इससे ऊपर नहीं उठाया जाता है, बहुत भारी होते हैं ये। अब मैं दूसरा ट्राई करूँगी लेकिन ये भी मेरे से नहीं उठेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं उठेगा। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं उठता है ये। बहुत भारी है ये। मैंने पूरा जोर लगा दिया लेकिन नहीं उठा मुझसे, बिल्कुल भी नहीं उठा। बहुत देर तक मैं अपना जोर लगाती रही, नहीं उठा, तो मैंने हार मान ली और महासू महाराज को बार बार नमन, जय हो महासू महाराज के। पहले उठ गया था, अब ये भी नहीं उठेगा, और अब मैं वापस आ रही हूँ और अब ये है मंदिर यहाँ का, ये देखें। अब ठाकुर साहब फिर से ट्राई कर रहे हैं, बड़ा तो नहीं उठाया जाएगा लेकिन छोटा उठ जाता है इनसे फिर, और फिर चक्कर लगाते हैं, ये नहीं उठेगा बड़े वाला। तो दोस्तों, ये बड़े वाला पत्थर जो है नहीं उठेगा, अब फिर से ये छोटे वाला उठाएंगे और फिर उठा करके चक्कर लगाएंगे। बहुत खुशी की बात है, ये छोटे वाला तो उठ रहा है, यानी कि महासू महाराज हमसे खुश है, हमारे आने से खुश है। और ये देखें, चक्कर लगा रहे हैं ये। जब तक नहीं थकेंगे तब तक चक्कर लगाते रहेंगे ये, जब थक जाएंगे तो छोड़ देंगे पत्थर को। ये देखें आप, बहुत शक्तिशाली पत्थर है, देखने की चीज़ है दोस्तों। ये बहुत पुराने पत्थर है, बड़े बड़े होते थे, अब इन्होंने छोड़ दिया है ये। और
बहुत बड़े बड़े होते थे, अब ये घिस करके और कुछ मिस्त्रियों से भी तुड़वाए होंगे, क्योंकि पहले आंगन में थे ये और वहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिए। और ये है बाहर का व्यू, और ग्राउंड में ही होते थे ये पत्थर भी, अब वहाँ पर रख दिए हैं क्योंकि उठते नहीं थे, इस करके ये थोड़े तुड़वा दिए हैं तो वहाँ पर रखे। और ये मंदिर है, ये मंदिर से ऊपर का व्यू है, सड़क भी दिखती है यहाँ से, ये जो ऊपर घर है वहाँ सड़क है, मेन रोड नीचे मंदिर के लिए भी है। तो दोस्तों अभी हम चल पड़े हैं, मैं बिल्कुल अभी अनहोल में हूँ और अब हम यहाँ से चल पड़े गए। हम यहाँ रात को यहीं रुके थे मंदिर में और सुबह के 10:30 होने वाले हैं, 10:30 होइए, 10:30 हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से अभी निकल जाऊँगी, हमारी बाइक रेडी है और ठाकुर साहब भी रेडी है और मेरे को गुस्सा कर रहे हैं, लेट कर रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, देखो मुँह भी लाल हो रखा है। हमीरपुर से, हाँ जी। तो हम रात को रुके थे यहाँ पर और वहाँ हमारे यहाँ की है ससुराल हमीरपुर में, एक दर हम बैठा मेरे रात था। कौन सी जगह हमीरपुर, पता नहीं क्या नाम है जगह का, नाम का पता हो ना। तो गाइज अब हम निकल जाएंगे यहाँ से, जस्ट महाराज के दरबार से यहाँ से हम जाएंगे रायगी शेरकुड़िया महाराज के दरबार में, तो आपको वहाँ भी मैं वीडियो बनाऊँगी। और ये है यहाँ पर महाराज की सराएँ, आप पीछे देख रहे हैं, रात को रहने की व्यवस्था होती है यहाँ पर और बाथरूम वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी है। आप आएँ, आना चाहे तो ज़रूर आएँ और अपने मन की मुराद जो है वो पूरी करें महाराज, जैसे कि सभी की करते हैं और हमारी भी करें। तो दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको रायगी में, तब तक के लिए टेक केयर, जय महाराज की। तो दोस्तों अब हम अनहोल के गेट से बाहर निकल गए हैं, यहाँ पर बाउंड्री ख़त्म हो गई है अनहोल की। चल पड़े हैं अब वापस। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मेन द्रक में, तो दोस्तों अभी हम हैं मेंद्रथ में, बाशिक महाराज के दरबार में पहुंचे हैं अभी हम। तो आए आपको थोड़ी सी यहाँ का दर्शन कराते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। ये बाशिक महाराज जी का मंदिर है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं बाशिक महाराज जी का दरबार, तो आपने पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। हिमाचल के बहुत खूबसूरत मंदिर है, सॉरी हिमाचल नहीं है, उत्तराखंड ही है ना ये, हैं उत्तराखंड है भी, ये भी उत्तराखंड है भी, उत्तराखंड है ये भी, और बहुत प्यारे प्यारे मंदिर उत्तराखंडी है, सब उत्तराखंड है। हाँ। शेरकुड़िया महाराज भी उत्तराखंड में है, सारे चार भाई मास उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अच्छा। हाँ। तो आप थोड़ा सा ये YouTube में डालेगी ये वीडियो ना। हाँ। तो
महासू महाराज के बारे में थोड़ा सा अच्छा, पब्लिक देख सके। हाँ बिल्कुल। तो ये आप ये चार भाई महासू है। हाँ जी। ये सबसे बड़े महाराज जी है, बाशिर महाराज है। अच्छा जी। और ये महेंद्रथ है। हाँ जी। यही इनका जन्म हुआ है, चार महासू का। ये वो खेत है जिसमें इनका जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा, इस खेत में हुआ था ये खेत है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, ये खेत जो है यहाँ महासू महाराज का जन्म हुआ हाँ, था ना। ये जन्म भूमि है इनकी, चारों मासों की। अच्छा जी। और वैसे इनका प्रसिद्ध जो थान है वो हनोल में है। हाँ जी। हाँ, हनोल में इनकी सारों सारी चारों भाइयों की हाँ जी मतलब मेन स्थान उनका हनोल है। हाँ जी। लेकिन ये मतलब माने इसलिए जाता है क्योंकि ये बावर क्षेत्र है, बावर क्षेत्र में बाशिक महाराज को माना जाता है, बावर और देवघर में। हनोल में महाराज जी अस्थाई है। हाँ जी। और पांचविल में पाली साइड पोगाश महाराज को माना जाता है, और चालदे महाराज को पूरा इलाका जानता है, यानी कि जौनसार से लेकर पर्वत तक। हाँ जी। जौनसार, बावर, हिमाचल पर्वत और आपके पार बंगान, ये सारे जगहों में जाते हैं। हाँ जी। चालदा महाराज इनको सब जगह चलता राज दिया गया है इसको। हाँ जी। तो ये चार मासों की यहाँ पे उत्पत्ति है हुई है, ये वही जगह है। और यहाँ देवलाड़ी माता भी है, जो इनकी माता है वो भी सिकंदर है। अच्छा, यही महाराज जी है। हाँ, बड़े महाराज जी, बाशिक महाराज है, ये यही रहते हैं। तो यही है दोस्तों, अगर कुछ छूट गया हो बोलने की बात है। वैसे तो इसकी बहुत बड़ी सृष्टि, इसमें तो कम से कम आपको ये तो वीर है इनका, शेरकुड़िया जो वीर है, ये इनका वजीर है। चारों मासों का जैसा वजीर होता है वैसा ये भी वजीर है। ये रायगी के जो शेरकुड़िया महाराज, ये वजीर है। इनके चार वीर भी है, शेरकुड़िया महाराज, कैलाथ महाराज, कपला वीर, कोयलू वीर, ये चार वीर है, चार महाराज है। अच्छा, ये भाई नहीं इनके है, रायगी वाला भाई नहीं है। नहीं भाई नहीं है, ये वीर है। अच्छा भाई, भाई लग गए। एक जो पर्वत में है शेरकुड़िया, साक्षात वो है वो पर्वत वाला, इनके पलगे बनाएंगे। अब जैसे आजकल हर जगह में महासू का मंदिर बनाए, जैसे थैना में है, जौनसार में कई जगह महासू के मंदिर है, तो इसी जगह इन्होंने अलग अलग इन्हीं के रूप में माना जाता है सभी जगह। हाँ जी। तो दोस्तों बहुत बड़ी, हाँ इनकी कहानी तो बहुत लंबी है, इसमें तो आपको एक महीना लग जाएगा जब आप बैठेंगे। हाँ जी। हाँ जी, ये हमारे पूर्वजों ने लिखी थी इनकी किताब, एक चार मासों की उत्पत्ति आदि आपको किताब मिलेगी, तो उसमें आप सर्च भी करना चार मासों की उत्पत्ति है, तो उसमें आपको सब बता दिया जाएगा कि कैसे हुई है। तो यही है दोस्तों, जितना कर नॉलेज थी यहाँ पर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम लायकराम वर्मा है। लायकराम वर्मा जी से बात की मैंने, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करी दोस्तों। तो आप जब आए इधर से, एक तो एक गए, एक अनुरो, एक पाली साइड ठडियार में। अच्छा, सामने। हाँ, सामने वाला मंदिर वो पोवासी महाराज है, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के जौनसार में, आजाद शिव में आजकल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये चार। अच्छा, उधर नहीं गए हम, अनहोल दो, अनहोल से आए अभी हम ना। तो जो पाली साइड जो मंदिर है ना, वहाँ भी महाराज। अच्छा, उधर भी जाते हैं। हाँ, वो पोवासी में जाते हैं, अपनी श्रद्धा से जाते हैं वहाँ। वो पांचविल में, ये साठविल माना गया, वो पांचविल माना गया, ये कौरव दल है, वो पांडव दल है, दूसरा चौथा आजकल जौनसार में, हाजा दशियो में, चालदा महाराज, चालदा महाराज जी। अच्छा, चालदा महाराज। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों यही है, नमस्कार, बढ़िया सर, बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम भी थोड़े दर्शन कर लेते हैं महाराज जी के। थोड़ा सा हमें इसको बता दीजिए कैसे क्या है। तो दोस्तों यही है, महाराज अभी 18 में ये केदारनाथ की यात्रा में हम सब लोग गए पैदल यहाँ से। अच्छा अच्छा। ये हमारा 21 दिन लॉर्ड फोर्ट में हुआ था केदारनाथ यात्रा, यहाँ से पैदल, वहाँ से पैदल। पैदल? हाँ जी। 21 दिन 21 दिन लगे, 11 दिन जाने में लगे, 10 दिन आने में लगे। महाराज, महाराज भी गए? आने में एक दिन कम लगा। महाराज गए थे? महाराज पालगी कंधों पर पैदल। पैदल? हाँ जी। अरे हमें तो पता नहीं लगा, नहीं तो हम भी चलते साथ में। 18 में गए थे हम। अच्छा, 18 में गए थे। वीडियो बना सकते हैं यहाँ तक बना लो आप, लेकिन अंदर नहीं बनाना। अच्छा अच्छा, अंदर महाराज जी। नहीं नहीं, वो तो ये मंदिर था उस टाइम। तो यहाँ से महाराज जी केदारनाथ पैदल गए दोस्तों, पालगी जो है। कितने दिन लगे? ये तो बहुत पुराना मंदिर है उस टाइम का। 21 दिन में, 21 दिन लॉर्ड फोर्ट हो गया था। 11 दिन जाने में लगे, 10 दिन आने में लगे। तो केदारनाथ भी गए थे। हाँ जी। तो यही है दोस्तों, और ये मंदिर है, और ये आसपास का व्यू है। तो अब हम भी दर्शन कर लेते हैं महाराज के। हाँ,
महाराज जी हमारी भी मनोकामना पूरी करें। ये है यहाँ का व्यू, बहुत प्यारा नज़ारा है और मेहनत जगह है दोस्तों। अगर आप यहाँ से गुजरे, यहाँ आना चाहते हो तो आप ज़रूर आए। उत्तराखंड में है। त्यूनी से कितना किलोमीटर होगा ये? 5 किलोमीटर है त्यूनी से, तो आप जरूर आए। और अनोल कितना किलोमीटर? 8-9 किलोमीटर है। त्यूनी से कितना पड़ेगा? त्यूनी से 5 और 9 कितने होंगे? 14 किलोमीटर है अनहोल। तो आप अनहोल भी जाएं, ठड्यार भी जा सकते हैं, और यहाँ महाराज है तो यहाँ भी आप। ये सबसे बड़े महाराज, ये वार्षिक महाराज हैं। हाँ जी, सबसे बड़े वार्षिक महाराज है तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों, हम भी दर्शन कर लेते हैं। तो अभी के लिए लेना चाहूँगी इजाज़त, तो टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों, मंदिर से हम आ गए हैं। अभी हम बिल्कुल त्यूनी से ऊपर की साइड में है, रोड में। ये देखें, ये त्यूनी है मेन मार्केट। यहाँ से बसेस मिल जाती है अनहोल और मेंद्रथ और ठड्यार के लिए यहाँ से। तो जब भी आप आए तो ज़रूर दर्शन करें महाराज जी के, ज़रूर मंदिर जाएं। और हम अभी बिल्कुल त्यूनी से वाली साइड अनहोल रोड में है ऊपर। तो यहाँ से मैंने बनाई वीडियो और हम थोड़ी देर यहाँ पर मस्ती करी हमने यहाँ रोड पर। और ये देखें, यहाँ का कुछ व्यू इस तरह से है। और ये नदी नहीं है, ताउस है। ये ताउस नदी बहुत ख़तरनाक है, ये तो इससे भी बचाव करें। और यहाँ पर मैंने डांस किया। यहाँ पर अब हम त्यूनी में पहुँच चुके हैं। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। अब हम मार्केट में यहाँ पर घूम रहे हैं, थोड़े से आगे तक जाएंगे घूमते हुए। और देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो आपने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और सहयोग करें मेरे ब्लॉग को, देखते रहिए। ये मार्केट है त्यूनी का। तो यहाँ पर हम खाना खाएंगे इस होटल में। और अब हम अंदर आ चुके हैं। ये देखें, यहाँ पर हर चीज़ पाई जाती है, स्वीट्स से लेकर खाने तक। और यहाँ पर हम खाना खाएंगे। और जब भी हम आते हैं तब यहीं पर हम जो है
खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जब भी हम यहाँ होते हैं त्यूनी में, तो यहीं पर हम खाना खाते हैं। और अब अपने जैसा घर जैसा हो गया है इनके साथ व्यवहार भी। और यहाँ पर मैं मोबाइल चार्जिंग में भी लगाऊंगी और फिर हम खाना खाएंगे, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग में लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर खाना खाएंगे। ठाकुर साहब फुल खाना खा रहे हैं और यहाँ पर मैंने चाउमीन ली है और मैंने हाफ प्लेट चाउमीन ली और हाफ प्लेट मोमोज खाए और ठाकुर साहब ने खाना फुल खाना खाया यहाँ पर। और ये देखें, तो दोस्तों बने रहिएगा और हम खाना खा लेते हैं और आप बने रहें मेरे ब्लॉग में आगे भी। अभी तो हम यहीं हैं, खाना ही खा रहे हैं और कुछ ही देर में हम यहां से निकल जाएंगे और हमने जाना है रायगी। तो आप जो है मेरे ब्लॉग में देखते रहें और यहां पर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं दूसरे ब्लॉग दूसरी वीडियो डालूंगी, तो आप उसमें देखना। और हम यहां से रायगी जाएंगे और आप ज़रूर देखें वीडियो ब्लॉग मेरे, क्योंकि ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो मैं अगले ब्लॉग में डालूंगी उसको।